हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहां पे स्वागत करते हैं। एक बार फिर से अपन रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा, पुनः प्रमेय 6.1, 6.2, 6.9 तक इसी प्रकार से एक बार फिर रिवीजन होगा। तो घबराइए मत, बने रहिएगा यूट्यूब चैनल इनोवेशन स्टडी के साथ में। डेली क्लास करते हैं अपलोड, डेली देखिएगा। वैसे लाइव क्लास नहीं दे रहे, थोड़ा सा सिस्टम लाइव क्लास का इस प्रकार से थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाता है, टेक्निकल इश्यू आ जाता है, फिर बीच बीच में नए समझ में आता किसी के, फिर क्लियरिटी मर जाती है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। कोई दिक्कत नहीं, आपके एग्जाम तक अपन करेंगे कोई कोशिश, करेंगे लाइव क्लास वाला सिस्टम। तो आप क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, ये आप पे ही टिका हुआ है, आप सभी का परिवार है। तो आप जितना क्लासों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतनी ही अपन मेहनत करके लेके आएंगे, अपन उतना ही अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। एक तो ये होता है, परमानेंट जो क्लासें होती है उसमें कंटिन्यूटी आप ही बनाए रखेंगे, ये हम नहीं रखते, ठीक है। हम तो कोशिश कर लेते हैं, डेली टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हमें ये करना पड़ेगा। अपन एक जिम्मेवार आदमी बन जाते हैं, तो वहाँ पे जब घर की जिम्मेवारी आ जाती है तो जिम्मेवार व्यक्ति है ना, वो सोच समझ के फैसला लेता है। उसी प्रकार से क्या है, आप जिस प्रकार से क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपन भी अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अब देखो, ए बी सी आपको एक त्रिभुज दिया गया है, और इसमें आपको दिया गया है कि जो भुजा है डी ई वो बी सी के समांतर है, और भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई पे काट रही है, यानी समांतर दी गई है। तो हमें सिद्ध करना है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है, डी ई समांतर है बी सी के। वह सिद्ध का क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी। ये बात हमें प्रूव करनी है, सिद्ध करनी है, बढ़िया बात है। देखो, अपन प्रमेय 6.1 यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसमें रचना करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट उत्पत्ति लिखेंगे कि डी ई पैरलर है बी सी के, ये हमें दिया है, ये बात हमें दे रखी है। तो ये बात होती है क्या, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, और कहाँ से, प्रमेय 6.1 से, 6.1 से या बीपीटी थ्योरम से, जो भी आप लिखना चाहें लिख देते, ठीक है। तो प्रमेय 6.1 से ए डी, यानी ये हिस्सा, ये हिस्सा, यानी इस पूरी लाइन का अनुपात इस पूरी लाइन के अनुपात के बराबर होता है। इज दैट क्लियर। हमें लेके आना है ए डी ए बी ए ई, ऊपर वाली साइड दोनों में इक्वल है लेकिन नीचे वाली चेंज है, पूरा ए बी है, यहाँ पर पूरा ए सी है, यानी ये ए बी और ये ए सी काफ़ी आप पहले कर चुके होंगे। अब देखिएगा आगे हमें क्या करना है, ए डी और ए ई तो लेके आना, लेकिन ए बी और ए सी लेके आना। मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ, व्युत्क्रम कर दूँ, तो देखो क्या बनेगा। हाँ, ऊपर लेके आएंगे इसको, डी बी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए ई। अब बोथ साइड एक एक जोड़ने पे, दोनों तरफ एक एक जोड़ेंगे तो ये बनेगा डी बी अपॉन में ए डी प्लस में एक इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए ई प्लस में एक। दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया, ए बी कब बनेगा, जब ए डी में अपन डी ई जोड़ दें, ए ई में अपन ए सी जोड़ दें, तभी तो बनेगा ए सी। एलसीएम क्या आ गया इसका, तो एलसीएम नीचे दिखाई दे रहा है, तो ये बन गया नीचे, इसका एलसीएम आ गया ए डी, ए डी इसके साथ में जाएगा, तो ये बनेगा डी बी प्लस में ए डी इज इक्वल टू, ये क्या बन गया ए ई, तो ये बनेगा ए सी प्लस में ए ई बी डी। ये देखो बी डी या डी बी, ये दूरी प्लस में ए डी, ये टोटल कितना बन गया ए बी, तो
टोटल कितना बन गया डियर स्टूडेंट, ए बी बन गया अपॉन में ए डी, ए डी इज इक्वल टू ई सी और ए ई, टोटल कितना बन गया, टोटल आपके पास में बन गया ए सी अपॉन में ये है नीचे ई। वापिस चेंज करते हैं, वापिस रेसिप्रोकल घुमा दें इसको वापिस पकड़ के, तो ये बन गया ए डी व्युत्क्रम करने पे ए बी, और ये बनेगा ए ई अपॉन में ए सी, ये बात। और यही हमें लेके आनी है क्या, देखो मैच करो जल्दी फटाक, क्या लेके आना था ए डी ए बी ए ई ए सी। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा, पर में 6.1 यूज हुई हमने कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो देखो ये है हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल है, ए बी सी डी एक समलम है। समलम क्या होता है, जिसमें कोई दो भुजा आमने सामने की समांतर होती है वो समलम होता है, जिसमें ए बी पैरलर है किसके, ए बी किसके पैरलर है, डी सी के पैरलर है। असमांतर भुजाएं ए डी और बी सी पे क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं कि ई एफ है वो ए बी के समांतर है, ई एफ है वो ए बी के समांतर है, कोई बात नहीं। लेकिन दर्शाना क्या है, ए ई अपॉन में ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ सी। सबसे पहले जो गिवन है वही लिखते हैं, मार्कर चेंज करें क्या, मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखो क्या है दिया है, क्या दे रखा है हमें, दे रखा है कि ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है डी सी के, और वे ई एफ समांतर है ए बी के। अगर ये बात है तो अपन ये भी कह सकते हैं, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, यानी ये लाइन इसके समांतर है, ये लाइन इसके समांतर है, तो आपस में ई एफ भी समांतर होगा किसके, डी सी के, ई एफ भी समांतर हो जाएगा डी सी के। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है जी, ए ई अपॉन में, ए ई अपॉन में ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ सी, बी एफ अपॉन में एफ सी, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिएगा आगे क्या प्रोसेस रहेगी हमारी। अब एक त्रिभुज उठाता हूं मैं, कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं उत्पत्ति नाम दे दो, इसमें रचना करने की आवश्यकता नहीं है, रचना इसने आगे वाले ने करके दे रखी है, अपन अगर रचना करें तो ये कर दें, चलो रचना कर दो, रचना का टॉपिक पॉइंट बना दो आप। रचना में क्या करेंगे, ए को सी से मिलाया व ए सी रेखा, ए सी रेखा ई एफ को बिंदु जी पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती है, ये रचना कर दी भी, ए को सी से मिला दिया, तिरछा मिला दिया। और अपन तो वैसे ये तो कंडीशन पड़ी नहीं है ना, कोई चतुर्भुज है क्या समलम है उसमें कोई दो रेखा किसी के समांतर हो तो इस प्रकार से काटे, त्रिभुज में पड़ा है तो त्रिभुज में पड़ा है तो परिमेय 6.1 अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे बात। तो एसी है वो ई एफ को बिंदु जी पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक प्रकार से हमारे पास में ये त्रिभुज आ गया, कौन सा त्रिभुज आएगा उपत्ति में, उपत्ति में त्रिभुज आएगा, त्रिभुज ए डी सी में इजी इजी समांतर है किसके, डी सी के। ये पूरी बड़ी लाइन ई एफ इसके समांतर है तो ये भी इसके समांतर होगी, बात तो यही है, ये इसके समांतर होगी, ये इसके समांतर होगी, तो परमेय 6.1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा,
ए ई अपॉन में ई डी इजिकल टू क्या आएगा, ए जी अपॉन में जी सी, इक्वेशन नंबर एक। और ये आएगी पर में 6.1 से, पर में 6.1 से। अब दूसरा त्रिभुज ले लें, कौन सा, ये ले लें। अब त्रिभुज सी बी ए, सी बी ए में ये भुजा इसके समांतर है, में क्या कंडीशन आएगी, जी एफ समांतर है किसके, ए बी के, ए बी के समांतर है। तो आप क्या रिजल्ट लिखेंगे, आप लिखेंगे सी एफ अपॉन में एफ बी, या बी एफ, एफ बी लिख दो यार, एफ बी इज इक्वल टू सी जी और जी ए, सी जी, सी जी और जी ए, और यहाँ पे सी जी नीचे आ रहा है तो इसका चेंज कर देते हैं। एक बार ये बात आप डायरेक्ट वैसे लिख दो, पर में 6.1 से, पर में 6.1 में क्या पढ़ा था, कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में कोई भुजा इस प्रकार से खींची जाए कि वो तीसरी भुजा के समांतर हो, और कोई दो भुजाओं को किन्हीं दो बिंदुओं पे काटती हो, दो भुजाओं को किन्हीं दो बिंदुओं पे काटती हो, तो उसके द्वारा जो अनुपात होगा दोनों भुजाओं का वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आपने पढ़ रखा है। अब थोड़ा सा इसका चेंज करते हैं, क्यों करते हैं, ए जी और जी सी आ रहा है, यहाँ पे ए जी ऊपर जी सी आ रहा है, नीचे ए जी आ रहा है, तो एक बराबर बना लें इसको, तो इसका रेसिप्रोकल कर दें। अब देखो ये तो ऊपर चला जाएगा एफ बी, और सी एफ नीचे आ जाएगा, ये क्या होगा, ए जी तो ऊपर चला जाएगा और जी सी नीचे आएगा, इक्वेशन नंबर दो। अब लिखोगे समीकरण एक व दो से दोनों की आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस भी क्या होगी, बराबर होगी, कर दो इसको बराबर करें भी, ए ई अपॉन में ए डी इज इक्वल टू क्या बनेगा, बी एफ या एफ बी अपॉन में सी एफ। यही प्रूव करना था क्या, देखिए यही प्रूव करना था, ए ई ई डी बी एफ और सी एफ या एफ सी ए की बात है, नाम आगे पीछे हो सकते हैं, एफ बी लिख दिया, पी एफ लिख दिया, सी एफ लिख दिया, एफ सी लिख दिया, एक ही बात है। तो आपने क्या लगाया, एक त्रिभुज ये लिया, इस त्रिभुज में ये भुजा इसके समांतर है, तो पर में 6.1 के अकॉर्डिंग अपन बोलेंगे कि जो इजी भुजा है इसके द्वारा इन दो भुजाओं पे अनुपात काटे जाएंगे वो बराबर होंगे। इसी प्रकार से जो जी एफ है वो ए बी के पैरलर है, समांतर है, तो जी एफ के द्वारा बी सी और ए सी पे जो अनुपात काटे जाएंगे वो बराबर होंगे। तो दोनों इक्वेशन आपने बराबर कर दी, एक एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी इसकी बराबर होगी, यही हमें प्रूव करना था। तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट, इसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल और करते हैं, वो भी इसी का है, इसके बाद में इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, तीसरा एग्जाम्पल है, आकृति आपको 6.16 यानी बुक्स में इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई दे रही है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, इस प्रकार की आकृति बुक्स में दी गई है और वहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, दिया है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पी एस अपॉन में एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन में टी आर, ये गिवन है, और साथ में ये भी गिवन है कि एंगल पी एस टी बराबर है एंगल पी आर क्यू, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए नहीं पी क्यू आर, पी क्यू आर एक समद्वि बाहु, समद्वि बाहु त्रिभुज है। आपको क्या सिद्ध करना है, पी क्यू आर एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, समद्वि बाहु माने सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, यानी पी क्यू आर ये बड़े वाला त्रिभुज, ये एक समद्वि बाहु त्रिभुज, यानी आपको निकालना है पी क्यू और पी आर बराबर निकालना है,
दोनों भुजा को बराबर करना है। बराबर कब हो सकती है? जब एंगल Q और R बराबर हो जाए। आप जानते हैं कि समान भुजा के सामने वाले कोण, अगर ये भुजा दोनों बराबर है तो समान भुजा के सामने वाले कोण और समान भुजा के सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं, या समान कोणों के सामने वाली भुजा बराबर होती है, ये कंडीशन होती है। तो देखो उपपत्ति, उपपत्ति में अपन क्या लेके चलेंगे, ये बात जो गिवन है पी एस बटे एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन मी टी आर, ये हमें दे रखा है, दिया है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यानी 6.1 का रेसिप कन्वर्स यानी परमेय 6.2 के अकॉर्डिंग अगर ये अनुपात दे रखा है तो अपन ये बोलेंगे कि जो एस टी लाइन है, एस टी जो रेखा है वो समांतर होगी किसके, क्यू आर के। एस टी लाइन है वो समांतर होगी किसके, क्यू आर के, और कहाँ से, परमेय, परमेय 6.2 से, परमेय 6.2 से आप क्या करेंगे, इसको पैरलर कर देंगे, समांतर कर देंगे। अब देखो अगर ये समांतर है तो संगत कोण बराबर होते हैं। यदि एस टी पैरलर है किसके, क्यू आर के, तो संगत कोण, जैसे लिखोगे एंगल पी एस टी बराबर होगा एंगल पी क्यू आर, कौन से कोण होंगे, संगत कोण। देखो कोई दो समांतर लाइन है, इसको कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये इसके क्या होंगे, संगत कोण होंगे। जैसे कि ये कोण, ये एस कोण और क्यू कोण बराबर होगा, जब कोई दो समांतर लाइन को कोई तिर्यक रेखा काटते तो ये संगत कोण होते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। तो ये है, जबकि जबकि आपको दे रखा है एंगल पी एस टी बराबर है एंगल किसके, पी आर क्यू के बराबर होगा, कौन से। अब देखिएगा पी एस टी पी क्यू आर यानी ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर हमें दे रखा है, ये दिया गया है, आगे लिख दो दिया है। अगर स्टूडेंट ये एंगल इसके बराबर, हमने संगत एंगल निकाल लिया, अगर ये इसके समांतर है तो ये हमें दिया गया है, यानी ये दोनों बराबर हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर बराबर होगा एंगल पी आर क्यू के, यानी ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो समान कोणों के सामने वाली भुजा बराबर होती है, इसलिए इसलिए पी क्यू बराबर होगा पी आर, पी क्यू बराबर होगा पी आर, रीजन लिख दोगे समान कोणों के सामने वाली भुजा समान होती है, समान कोणों के सामने वाली भुजा, थोड़ा अलग लिख दो, बराबर बराबर होती है, समान कोणों के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जान गए कैसे हैं कि पी क्यू पी आर के बराबर है, यानी ये पी क्यू है वो पी आर के बराबर है, दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एक्सरसाइज 6.2 में, 6.1 में तो शायद एग्जांपल है ही नहीं, 6.2 की ये एग्जांपल 1, 2, 3 कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में अपन एक्सरसाइज 6.3 के एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। थ्योरम हमने पढ़ रखी है, थ्योरम का यूज करते जाएंगे, आपका रिविजन होता जाएगा, अच्छे से पढ़िएगा, मज़े से पढ़िएगा, क्लासों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्लास देख के चले जाते हैं लाइक जरूर करना, ठीक, और कमेंट कर दिया करो ताकि पता चल जाए जो भी आपको दिक्कत है। वैसे छोटी मोटी बात अगर पूछने में आप हिचकिचाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, भी पूछना होता है और हमारा काम बताना है, आपका काम पूछना है। अगर आप इस प्रकार से नहीं पूछते कि आप सर क्या समझेंगे, मेरे को ये इतना ही नहीं आता क्या, तो
तो इस प्रकार की बातें नहीं है। स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, सीखने की लाइफ होती है और टीचर का काम होता है बताना। तो आप पूछिएगा, हम बताएंगे आपको। अगर जो भी आप में आपको लगता है कि ये टॉपिक हमें नहीं आता, या ये क्वेश्चन नहीं आता, या सर ने यहाँ पे कैसे लिख दिया, ये क्यों होता है, इस प्रकार से पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। तो चलिएगा स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।